नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के बीते दिन एक चर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और वो चर्चा ये थी कि बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर जो है वो कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहते आगे। यही वजह है कि आजकल वो समाजवादी पार्टी से कुछ उखड़े उखड़े लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि अगर वो समाजवादी पार्टी से इस वजह से उखड़े उखड़े लगते क्योंकि बीजेपी के साथ उन्होंने अपना कोई नया तस्वीर जो है वो बनाने की कहानी शुरू कर दी है, तो शायद आज जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी तस्वीर सामने निकल करके नहीं आती जो इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उस तस्वीर को दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है इस वक्त एक नए खेले को अंजाम देने में जुटी हुई है, क्योंकि इससे पहले हर गलियारे से यही खबर सामने निकल करके आ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी का समर्थन इसलिए अब नहीं करना चाहते क्योंकि वो बीजेपी के साथ जो है अपनी नई तस्वीर की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल गई है क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है, बीजेपी के पूर्व सांसद का एक बड़ा बयान, और उस बड़े बयान के घेरे में घिरे ओम प्रकाश राजभर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे हरि नारायण राजभर, सुनिए। भाजपा से तालमेल हो जाएगा ओम प्रकाश राजभर उर्फ बियान, यह अपराधियों का साथी जो मंच पर कहता है कि उत्तर प्रदेश के सारे माफिया हमारा सलाम है। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसार का अंसारी का लड़का यानी ओम प्रकाश राजभर का विधायक, ओम प्रकाश राजभर कहता है कि कुछ भी हो जाएगा मुख्तार अंसारी से मेरा संबंध नहीं खत्म होगा। तो ये तो माफियाओं का माफिया है। बड़ी खेद की बात है कि जोगी जैसे सरकार में यह अभी बाहर घूम रहा है, इसको तो बहुत पहले ही जेल में चला जाना है। हमें तो पता चला है व्यापारियों से, डॉक्टरों से कि ओम प्रकाश राजभर उर्फ बियार और उसके लड़के ये सारे धनुगाही कर रहे हैं। अब मुख्तार अंसारी जेल में चले गए, चाहे जो भी उन पर लांछन लगा, बेचारा वो कोर्ट में बेचारा दीन है, मगर ये तो सीधा अब सीधा धन उगाही कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वो भी पुलिस सुरक्षा के साए में अपराध कर रहा है। अगर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दिया तो इलाहाबाद जैसे घटनाएं ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से यहां होना संभावित है। हरि नारायण राजभर को आप सुन रहे थे, पूर्व सांसद है ये, और जिस तरीके से ये ओपी राजभर के ऊपर हमलावर नजर आ रहे थे उससे एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि आने वाले समय में जो है ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी का भी समर्थन नहीं मिलेगा। कमेंट में आप जरूर बताइएगा इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों के मंतव्य क्या है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।